हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिए गए हैं। अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग जाकर के हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले। दोस्तों, तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए एक और बड़ी खबर लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है बिहार बोर्ड परीक्षा 2019 से। जानने के लिए बिहार बोर्ड वाले ये पूरा अंत तक की वीडियो देखते रहें। साथ ही साथ जितने भी इस वीडियो पर नए आए हैं तो वो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा इस बार छात्रों से ज्यादा होंगी छात्राएं। जी हां दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा इस बार छात्रों से ज्यादा होंगी छात्राएं। यह खबर आ रही है पटना कार्यालय संवाददाता से। दोस्तों, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में इस बार बेटों की तुलना में बेटियां अधिक शामिल होंगी। बिहार बोर्ड की माने तो कई जिलों में छात्र की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है। कई जिलों में तो छात्र छात्राओं की संख्या की 500 से 600 तक का अंतर है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैट्रिक में कुल 16,60,571 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 8,36,992 छात्राएं और 8,23,580 के आसपास छात्र शामिल होंगे। इसमें कई जिलों में छात्र छात्राओं की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक है। इंटर की में छात्राएं हैं कम, मैट्रिक में छात्राएं बढ़ी लेकिन वहीं इंटर में छात्राओं की संख्या कम हो गई। इंटर में कुल 12,07,975 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें छात्रों की संख्या 7,21,387 वहीं छात्राएं 4,86,588 ज्ञात की। मैट्रिक की परीक्षा 21 से 28 फरवरी तक और इंटर की परीक्षा 6 से 18 फरवरी तक ली जाएगी। तो दोस्तों, ये था बड़ा अपडेट आप सभी के लिए। इन जिलों में बेटियां हैं। आगे जैसे कि हमारा किशनगंज हो गया, बेगूसराय हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, वैशाली हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, और इधर हो गया मधुबनी के बाद समस्तीपुर हो गया, पटना हो गया, रोहतास हो गया, और प्रदेश भर में इन जिलों में सबसे ज़्यादा छात्र होंगे शामिल। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, इनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे छात्र का ग्राफ दिया गया है और ऊपर वाले इस ग्राफ में छात्राओं का ग्राफ दिया गया है। दोस्तों, तो ये बड़ा अपडेट आ रहा था बिहार बोर्ड परीक्षा से, सोचा मैं आप सभी को अपडेट कर देता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं बिहार वालों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, बिहार वाले अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को आप सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना और बेल आइकन तो जरूर दबा लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Oh, 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 oh,